20 मिलियन पॉपुलेशन से भरी गई मुंबई, क्या आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ी संख्या में पढ़ने वाली है और ये मुंबई इंडिया का पावर मनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये क्यों भारी संख्या में पड़ गई है? बढ़ती हुई पॉपुलेशन और सी लेवल की कमजोरी होने के कारण से ये मुंबई 2050 तक बाढ़ी से डूब सकती है। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि क्यों, तो इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दरअसल 2020 और 2021 में तो दरअसल मुंबई में दो साइक्लोन एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो वो बहुत भयानक एक्सपेरिमेंट था जिसके कारण से 2500 से ज्यादा बिल्डिंग को नुकसान हुआ था, और तो और वहां के लैंड एग्रीकल्चर सभी को नुकसान हुआ था, और तो और मुंबई एयरपोर्ट को 12 घंटों तक बंद करवा दिया गया था। बीएमसी का कमिश्नर ने तो खुद बोला है कि 2050 तक 70% एरिया लगभग पानी में डूब जाएगा। जब नासा के ICTC ने जब खुद सी लेवल को रिकॉर्ड किया था तो उसी रिकॉर्ड के मदद से ये पता चला था कि 2100 तक सारी इंडिया की सारी होरिस्टल कंट्री 2100 तक लगभग 2.7 फीट जितना गहरा पानी में रहेगा। तो हिंदी रिलीजन्स के मुताबिक भी एक रिपोर्टर से पता चला था कि और तो और क्वीन नेकलेस पानी में डूबने के हाई रिस्क में है, और तो और 9.1 से 9.71 तक, और वही हर साल 1.33 mm लेवल से इंक्रीज हो रहा था, और वही 2006 साल में 1.99 mm से इंक्रीज हो रहा था, और यही लेवल 2018 तक ट्रिपल होके 3.7 mm जितना हो गया था। और ये भी रिकॉर्ड हो गया है कि 1980 में सी लेवल लगभग 8 इंच जितना हाई लेवल हो गया है, और 8 इंच तक बढ़ गया है सी लेवल, और इसी के कारण बारिश में ज्यादा फ्लडिंग हो रही है। और मुंबई में तो इस साल ज्यादा करके बारिश हो रही है, और इसी के कारण से मुंबई वासी को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है वहाँ रहने के लिए। और मुंबई में पॉपुलेशन ग्रोथ भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, जिनके कारण से वो जहाँ रहते हैं जमीन पर वहाँ बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और वहाँ का क्लाइमेट चेंज होकर 0.2 लेवल मीटर से बढ़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि अगले 10 सालों तक मुंबई में ज्यादा करके बारिश होने वाली है और ज्यादा मुसीबत आने वाली है। और इसी के कारण से मुंबई में जो 2 मिलियन से 3 मिलियन तक का पॉपुलेशन रहते हैं, आदमी रहते हैं, वो आदमी लगभग पानी में डूबे जा सकते हैं, और अनुमान अनुसार से लगभग 958 बिल्डिंग्स डूब सकते हैं, और लगभग 24 किलोमीटर रोड जितना बाढ़ी से डूबने वाली है, और जब पानी की फ्लोटिंग होगी तब 26 किलोमीटर जितना तक का रोड और लगभग 2000 से ज्यादा बिल्डिंग पानी में डूब जाएगी। और ऐसी हालत सिर्फ मुंबई में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर भी आने वाली है, जैसे कि कोची, मैंगलोर, चेन्नई, महाराष्ट्र और सब जगहों पर भी आने वाली है, और सारी कंट्रियों को भी ऐसी हालत से गुजरनी पड़ेगी। और ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए वहाँ का सरकार बैठे नहीं है, कुछ ना कुछ उपाय जरूर लगा रहे हैं, और वो बहुत सारी सी वॉल्स बिल्ड कर रहे हैं ताकि पानी सिटी में घुसकर लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, और ये काफी ही बैड न्यूज है। और बाढ़ आने का रीजन तो सबसे बड़ा ये है कि क्लाइमेट चेंज, द सी लेवल इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ती पॉपुलेशन और पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फोल्डिंग, फ्लडिंग ना करने के लिए एरिया के साइड साइड में जितना भी कंस्ट्रक्शन है वो सारे कंस्ट्रक्शन को रोकना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तो इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।